सर गुड मॉर्निंग माहौल सर चाय तो इफेक्ट कर रही है सर मतलब सर चाय में कुछ मिक्स तो नहीं करते वाह जबरदस्त माहौल सर आइए सर सप्लाई का डेफिनेशन द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स क्लियर तुम भी हो हाँ ना भाई आइए क्लोज नंबर एक इधर तरफ देखो सर आप सर सेक्शन नंबर सेवन सबसे कहता है सर सप्लाई इंक्लूड्स सर सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन वन क्लोज नंबर ए कहता है क्या सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाय सच इज अच्छा पहले तो क्या बोला सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज यह भी एक्साम्पल है बेटा अब में पता है क्या बोला सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल लिखता हूं सर क्योंकि केवल एक्साइज या वेट मर्ज नहीं हुआ सर्विस टैक्स भी मर्ज हुआ सब क्लियर सर सच इज सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर लीज राइटिंग समझ आपको सर? अब थोड़ा फास्ट इसलिए लिख रहा ले कि लिखना भी टाइम लगाऊंगा तो क्या मतलब सर जितना टाइम बचा उतना अच्छा बुक में तो लिखा ही सर सब कुछ सर ऑल फॉर्म्स ऑफ अपलाइ सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल और वॉट गुड्स और सर्विसेज और Both. When such supplies are made or agreed to be made, when such supplies are made or agreed to be made by a person, by a person for a consideration. फर्द ऑफ बिजनेस फुलस्टॉप अब मैं शुरू कर रहा हूं ये तो चलो चीज ठीक है जो मैंने लिखा है वो आप क्लिक भी कर सकते हो बाद में और बुक में भी मिली जाएगा आपको सर इधर ध्यान इधर ध्यान अब ऑपरेशन हो रहा है सर इसका सप्लाई इंक्लूड्स और हां ध्यान बेटा सबसे इंपोर्टेंट टर्म यही है सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ सप्लाई हो एवरीथिंग इज कवर्ड क्योंकि केवल और केवल और गुड्स टैक्सेस मर्ज नहीं हुए सर्विस टैक्स भी मर्ज हुआ है कई सारे स्टेट टैक्सेस भी मर्ज हुए सेंट्रल टैक्सेस भी मर्ज हुए बेटा है ना भाई ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई बिकॉज जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन क्लियर तो सारे फॉर्म ऑफ सप्लाई मर्ज हो गए इसके अंदर सच इज ये भी एग्जाम्पल है केवल वैसे इसमें कुछ छोड़ा नहीं पर सच इज सेल अच्छा सेल केवल गुड्स का नहीं होता सेल सर्विसेज का भी होता है बेटा वी आर सेलिंग आर सर्विसेज टू यूर हाँ है ना भाई सेल एक्सचेंज अच्छा सुनो ध्यान से बेटा सेल <coughs> सेल का एग्जांपल मान लो ये पेन मैंने बनाया ये पेंसिल मैंने बनाया है और मैंने आपको बेच दिया फोर रुपीज टेन थाउजेंड बेटा क्लियर दिस इज सेल एक्सचेंज सर कोई भी पुराना मोबाइल लेके आओ और नया लेके जाओ साथ में पचास हजार रुपये देना बेटा हाँ है ना भाई सर <laughs> अरे क्लियर समझा मेरी बात तो सर एक्सचेंज होता ना सर क्लियर अगर नया मोबाइल मिल रहा है कितने का सेवनटी थाउजेंड का आप नया मोबाइल परचेज करोगे सेवेंटी थाउजेंड मिलेगा ओल्ड ले फोन लेके आएंगे अगर स्मार्टफोन तो आपको फिफ्टी थाउजेंड में नया फोन मिल जाएगा होता ना बेटा एक्सचेंज दिस इज ऑल्सो सप्लाई बार्टर प्योर एक्सचेंज इज कोल्ड बार्टर प्योर एक्सचेंज इज कोल्ड बार्टर मतलब मैंने आपको इंडार टैक्स पढ़ाया बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया दोनों बर्बाद बेटा <laughs> सर प्योर एक्सचेंज इज गोल्ड बार्टर हा है ना भाई अरे ऐसे नो बार्टर सिस्टम बेटा क्लियर कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है बस काइंड हो रहा दोनों केस में क्लियर बार्टर सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर सर मैंने अपने बिजनेस के असेट मेरी एक ब्रांच है मुंबई में यहां पर सर और एक ब्रांच है उदयपुर राजस्थान में मैंने कुछ गुड्स अपने इस ब्रांच से वहां दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिए या सर अपने किसी दूसरे यूनिट को ट्रांसफर कर दिए हां है ना वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा क्लियर सर सप्लाई सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर लीज सर फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो बहुत आर कवर्ड हियर सर लाइसेंस मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया बेटा वो सॉफ्टवेयर को यूज करने का लाइसेंस आपको दिया है हाँ ना क्लियर कोई प्रॉपर्टी है सर उसको यूज करने का लाइसेंस मैंने आपको दिया बेटा हाँ है ना भाई क्लियर रेंटल कोई गुड्स मैंने रेंट पे दिया आपको कोई सर सर मैंने कोई प्रॉपर्टी आपको रेंट पे दी बेटा हाँ है ना भाई क्लियर और और डिस्पोजल मैंने अपने बिजनेस के सेट डिस्पोज ऑफ कर दिए हाँ है ना भली पार्शल डिस्पोज ऑफ किए या सारे डिस्पोज ऑफ कर दिए बच्चों क्लियर ये सब सप्लाई के स्कोप में आएंगे हाँ या ना बट ये सप्लाई के स्कोप में तभी आएंगे कंसिडरेशन प्लस इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस बात करेंगे धीरे धीरे चलकर बेटा अभी मैंने टर्म्स को समझा है एक एक एक्साम्पल एक देखे कि आखिर होता क्या है सर अरे क्लियर सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच से डिस्पोजल ऑफ वॉट गुड्स और सर्विसेज हो बहुत केवल गुड्स नहीं सर्विस हा ना भाई क्लियर गुड्स और सर्विसेज बहुत सर भले गुड्स और सर्विस का कॉम्बिनेशन हो या केवल गुड्स हो केवल सर्विज हो यस एवरीथिंग इज कवर्ट अब आगे देखो क्या लिखा है बेटा वेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्री टू when वेन सच are आर मेड और अग्री टू made, एक मिनट या तो मैंने सप्लाई अब यहां पे समझना बेटा सर, ये रिमोट में बनाता हूं बेटा मान लो ओके ये रिमोट मैंने सप्लाई किया ओके, सर, ये रिमोट मैंने सप्लाई किया या फिर मैंने एग्री किया मैं सप्लाई करूंगा अच्छा मैंने एग्री किया आपको सप्लाई मैं एग्री कब सर आपने मुझे एडवांस होगा सर फॉर एग्जाम्पल ये बैच के लिए ये क्लास के लिए ये लेक्चर के लिए आपने एडवांस बुकिंग कराई थी बेटा हाँ है ना आपने जैसे ही एडवांस बुकिंग कराई मैंने एग्री किया यस आई विल सप्लाई हा है ना भाई इसलिए सर एग्री मतलब एडवांस पेमेंट अगर आ गया है क्या आ गया मालिक तो भी मानते हो गया है और सप्लाई के आ गया तो क्या लग गया है बेटा जीएसटी इसलिए सर मेरी बात हो सकता है थोड़ा धीरे से समझ में आएगी आपको सर इसीलिए गुड्स हो या सर्विसेज हो क्या बोला मालिक अगर सप्लाई कर दिया तो तो सप्लाई है ही है सप्लाई करने के लिए एग्री कर दिया मतलब अगर एडवांस पेमेंट आ गया तो जितना अमाउंट एडवांस आया उतना सप्लाई के स्कोप में आ गया और उस एडवांस रिसीव पर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा सर क्योंकि वो सप्लाई के स्कोप में आ गया सर बहुत सारे लोग अभी चुप इसलिए कि सर सर्विसेज में अगर एडवांस रिसीव होता है तो जीएसटी लगता है पर सर गुड्स केस में अगर एडवांस रिसीव होता है तो जीएसटी लगता है लगता है पर एक नोटिफिकेशन देके गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या कि गुड्स केस में अगर एडवांस रिसीव हो रहा है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ये हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई में कहा पढ़ेंगे बेटा हम चैप्टर नंबर थ्री पढ़ेंगे तो बात करेंगे हम इसके बारे में पर लिंक यहां से हुआ है और हां केवल सर्विसेज के लिए नहीं गुड्स और सर्विस सर और बहुत गुड्स और

वहां से उठा के लेके आए लोग और लिख दिया क्या गुड्स और बहुत हो दो सप्लाइड मेड और होर इसकी भी कहानी समझाऊंगा मस्त सर शानदार हिस्ट्री बता दूंगा पूरा ऑपरेशन करके पर अभी नहीं वक्त आएगा तब बेटा टाइम सप्लाई पड़ेंगे तब पर अभी समझ में आया कि नहीं आया सर पूरा ऑपरेशन कर डालूंगा करूंगा कहां से प्रोविजन बनाए एक वर्ड कैसे बनाना सर मैं बता दूंगा इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है पूरा इतिहास बता दूंगा सर पर सर अभी नहीं वक्त आने पर क्योंकि किस्मत से ज्यादा और किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ मिलता नहीं आइए सर सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हाँ ना वेन सर सप्लाई मेड और बाय अ पर्सन और पता है द टर्म पर्सन टर्म पर्सन इंक्लूड्स सारे लोग सब कुछ सब कुछ इंडिविजुअल एच यू एफ पार्टनरशिप फॉर्म एल एल पी बॉडी कॉर्पोरेट सर एओपी बीओ आई सोसाइटी को सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी सर एनी आर्टिफिशियल पर्सन सब कुछ ले भाई क्यों, क्यों कि कोई भी अगर के तो के क्योंकि क्योंकि सप्लाई अगर कोई पर्सन करेगा तो जीएसटी लगेगा अभी हूं ढंग से नहीं आया बेटा यार नहीं जबर सी नहीं वापस बोलता बेटा कोई बात सर जबर वाह मैं वापस बोलूंगा सर वाह एकदम सप्लाई अगर कोई पर्सन करेगा तो जीएसटी लगेगा सर क्योंकि सप्लाई बाय अ पर्सन बेटा इसलिए पर्सन के स्कोप से सर कोई भी पर्सन एक्सक्लूड नहीं हुआ है हर एक पर्सन को इंक्लूड किया हुआ सब इन्होंने और पर्सन की डेफिनेशन में क्या लिखा है पर्सन इंक्लूड्स हाँ है ना भाई सब लिख दिया ऊपर क्या लिखा है इंक्लूड्स बात समझ में आ रही है लॉजिक समझी चीज होगा सर हर एक चीज को कनेक्ट करते हुए चलिए सर आप क्लियर समझे मेरी बात आपका सोचने का दायरा बढ़ता जाएगा सर क्लियर आपकी माइंड की एक्सेप्ट एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी सर तो आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी सर ओके okay? अगर आपको पर्पस समझ में रहा है ना लोगों का सर क्योंकि सर लॉ मेकर्स ने क्या किया सारे टैक्सेस को सब्स्यूम किया मर्ज किया तो कोई भी चीज टैक्सेबिलिटी के स्कोप से बाहर नहीं निकलनी चाहिए इसलिए उन्होंने जहां जहाजा लगता है कि आप इंक्लूड लिखना चाहिए वहां इंक्लूड लिखा बेटा हाँ है ना लॉजिक समझ में आ रहे हैं सर आपको चलिए सर कई बार तो हमने ध्यान ही नहीं दिया डेफिनेशन पढ़ते वक्त की इंक्लूड लिखा कि मीन्स लिखा बेटा अब आपको शायद ध्यान रहेगा कि इंक्लूड्स लिखा कि मीन्स लिखा क्योंकि आपको एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आ गया कि मीन्स लिखने में और इंक्लूड लिखने में क्या फर्क है सर है ना भाई माहौल सर सर सप्लाई मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अः समाज सेवा पे जीएसटी सप्लाई शुड बी फॉर अ अच्छा हो सकता है एक ही बात को मैं आपसे चार पांच बार बुलवा दू बेटा पर कोई ना कोई कारण होगा तभी तो बुलवाऊंगा सर वरना टाइम नहीं आपके पास भी मेरे पास भी बेटा हाँ ना सप्लाई शुड बी फॉर कंसीडरेशन के लिए काम किया है क्विट प्रोक्यो मैंने तेरे लिए किया तूने मेरे लिए क्या किया अगर ऐसा है तो वो सप्लाई है हाँ ना मोहब्बत नहीं है बेटा सर इट इज फॉर अ कंसिडरेशन इट इज सप्लाई हा भाई एंड सर कंसिडरेशन मे बीन मनी मे बीन काइंड समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन योर इंटेंट शुड बी टू अन द कंसिडरेशन सर प्लीज बात को प्लीज यहां अच्छे से फिट करिए सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन सप्लाई शुड बी सर आपके दिल से हमेशा है पूछना क्या कंसिडरेशन के लिए काम किया है अगर दिल कहते हाँ तो सप्लाई है और ना सप्लाई नहीं है मंदिर में आपने सर को डोनेशन दिया भगवान को फीस दी है इस बार तो पास करा ही देना भगवान बोलते दस रुपए चढ़ा अभी पास करा दो ऐसा नहीं दैट इज प्योरली मनी दिया है दैट इज डोनेशन दैट इज नॉट कंसिडरेशन दैट इज नॉट फीस एवरी वेयर वेयर मनी इज इन कंसिडरेशन एट ऑल पैसा भाई सर क्विट प्रो क्यो हा कुछ करने के लिए कुछ मिला है क्लियर और कुछ पाने के लिए आपने कुछ किया है तो सर वो सप्लाई के आएगा इट शुड बी फॉर अ प्लीज इस बात को दो तीन बार रिवाइज करो मेरे एग्जाम्पल आ रहा है sir. Sir, it should be for a... सप्लाई शुड बी फोर अ कंसिडरेशन कंसिडरेशन के लिए काम किया तो सर सप्लाई के स्कोप में आएगा वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं सर आपसे नीचे उतर के किसने अंधेर स्टेशन का रास्ता पूछा बेटा आपने उसको बता दिया इधर जाके इधर 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 कोई फीस लिया आपने बेटा कोई फीस के लिए काम किया आपने बेटा क्या है वो समाज सेवा है बेटा क्लियर इट इज विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई नहीं है कोई जीएसटी नहीं लगेगा there is 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 no point of GST at all. It is not supply at all, all, it not supply because that is without consideration. Google search search clear? results free for you, हाँ ना भाई? Yeah. Clear? सर वो फ्री सर्विस से बेटा हाँ है ना सर कोई सप्लाय नहीं है कोई फ्रेंड ने आपसे पूछा कि सर जिंदगी में बहुत तकलीफें हैं, क्या करू उसने बोला मेरी जिंदगी देख ले तेरी तकलीफें कम लगेगी तेरे को सर <laughs> आपने एडवाइस बांट दी सर दैट इज कंसिडरेशन विदाउटेशन है ना भाई समझे मेरी बात तो सर इफ इट इज फॉर तो सप्लाई हाँ, में, में आपको टैक्स पढ़ाया फॉर कंसिडरेशन yes, वो सप्लाई है इंडायरेक्ट पढ़ाया बदले मैंने में आपसे बोला डायरेक्ट आप टैक्स पढ़ाएंगे क्लियर अगेन दैट इज कंसिडरेशन दैट इज सप्लाई एज वेल एज मी है हाँ ना आपके लिए भी सप्लाई है मेरे लिए भी सप्लाई है बच्चों क्लियर वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बाद में पढ़ेंगे वैल्यूएशन पढ़ते वक्त बच्चों पर हाँ इट शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन सप्लाई शुड बी फॉर अ चलिए सर किसी मंदिर में कोई मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सर जो भी है सर या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वहां आपने डोनेशन दिया क्या दिया सर आपने क्या सप्लाई है क्या जीएसटी लगेगा नो मान लो आपने किसी मंदिर वगैरह में डोनेशन दिया और वो कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे बेटा रूम वगैरह का या कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे बेंचेस बना रहे थे बैठने के लिए और उन्होंने वहां पर आपका नाम लिख दिया होता ना सर कई बार देखते होंगे आप फैमिली का नाम लिख दिया है कुछ भी कि सर आ, वी आर आप जस्ट अपना थैंक यू कहने के लिए जस्ट टू शो देर ग्रेटिट्यूड उन्होंने अपना नाम लिखा कि रिसीव्ड अ सम ऑफ एक्स वाई जेड अमाउंट फ्रॉम मिस्टर उज्जवल हा है ना और सर ये नाम लिख दिया उन्होंने हाँ जी बताओ क्या उन्होंने आपकी मार्केटिंग दी क्या मार्केटिंग सर्विसेज दी क्या उन्होंने आपको आवाज नहीं आ रही हो क्या वो सप्लाई के स्कोप में आएगा नहीं कोई सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा कोई जीएसटी नहीं लगेगा पर सर उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को उज्जवल ने बोला होता क्या कि सर मेरा बिजनेस है लैपटॉप सेल करने का आप आपके किसी रूम के बाहर लिखवा दो इनकी कंपनी का नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और लैपटॉप सप्लायर हाँ है ना कोई साइन बोर्ड लगा दो हमारा कोई पोस्टर हमारा लगा दो हम आपको एक लाख रुपए देंगे कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कोई ऑर्गेनाइज करता इवेंट या कोई मंदिर वगैरह बहुत बड़ा इवेंट करता था पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं बहुत गैदरिंग होती है इसका मार्केटिंग होगा सर उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने एग्री कर लिया कि ठीक है साहब हम तुम्हारा ये नाम वहां लिख देंगे बिजनेस का बेटा टू प्रमोट योर बिजनेस और उसके बदले में आपने मुझे एक लाख रुपए देने पड़ेंगे सर आपने वन लेख दिया अब सर इसने वन लेख जो दिया उसमें नाम क्या लिख दिया डोनेशन दिया वन लेख का इज इट डोनेशन सर बताओ ये वन लेख सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर no. ये जीएसटी के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय दैट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या मंदिर मस्जिद जो भी था बेटा उसने सर्विस दिए फॉर अ कंसीडरेशन और वो सप्लाई के स्कोप में आएगा हा या ना पक्का बचो डन ये सर्कुलर था बेटा

सब अपने स्कूल है जहां से आप बड़े हुए हो साहब जैसे आपके सपने पूरे हुए कई सारे बच्चों के सपने हमें और पूरे करने हैं तो वी नीड अ डोनेशन ऑफ फ्रॉम योर साइड आपने डन पर ये डोनेशन केवल इस बिल्डिंग बनने में ही काम आना चाहिए आपने बोला है बेटा क्लियर किसी और पर्पज में काम नहीं आना चाहिए बताओ सप्लाई के इसको में आएगा कि नहीं आएगा सर आवाज आ रही हुए सर ध्यान देना बेटा कोई स्कूल ने

किया, दोग लगा, उन्होंने आपको इक्यावन सौ क्लियर लिफाफा इसलिए मम्मी को परेशान मत कर, ले, फीस रख ऐसा नहीं सर वो सप्लाई स्कोप में नहीं आएगा कोई गिफ्ट मिला है कोई डोनेशन से दो आर नॉट कंसिडरेशन एटोल दो नॉट फीस एटोल हा है ना भाई पर हाँ सर वहां पे आपने मंदिर को एक लाख रुपए दिए थे आपका नाम का एडवर्टीजमेंट आपके बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करने के लिए क्या वो डोनेशन नाम लिखने से क्या डोनेशन हो गया क्या बेटा वो वो दैट इज अ सप्लाई के स्कोप में आएगा है हाँ ना सर सप्लाई शुड बी फॉर अ अंसिडरेशन सप्लाई शुड बी फॉर अ ओके सर ध्यान देना इधर मंगेश भाई ध्यान देना इधर सर सप्लाई शुड बी फॉर अ अंसिडरेशन अब सुना बात को ध्यान से एक एग्जाम्पल लू मस्त वाला एकदम शानदार मस्त एग्जाम्पल लूगे आपके लिए पक्का yes, चलिए सर शानदार मान, मान लो बहुत बढ़िया सर सर क्या नाम यश सी ए कर रहा है सर कोई डाउट है क्या आपको भाई अब सर इनके पापा का मान लो बहुत बड़ा बिजनेस है सर चलेगा ना सर आपका अभी देख मजा आएगा तेरे को सर मान लो इनके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है बहुत बड़ी फैक्ट्री है सर सर और जितना बड़ा बिजनेस जितनी बड़ी फैक्ट्री उतना ही हेडेक होता है उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है उतना ही सर आपके लिए कमिटमेंट होते हैं सर हाँ है ना और पापा बिजनेस करने वाले अभी अकेले मैनेज करने वाले क्योंकि बच्चा तो सीए कर रहा है और सर जैसे बिजनेस बढ़ रहा पापा की टेंशन बढ़ रही है पापा धीरे धीरे थोड़ा टेंशन लग गए एक दिन यश ने बोला पापा क्या टेंशन है मुझे बताओ मैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज की स्टेट ऑडिट वगैरह करता हूँ तो क्या है छोटा सा बिजनेस है <laughs> सर इसने पापा को बोला पापा आपके बिजनेस क्या टेंशन है मुझे बताओ आई कैन सोल्व पापा ने बोला ओ भाई पढ़ाई में दिमाग लेगा दिमाग खराब मत कर पापा ने इसको काउंट किया ही नहीं बात ही नहीं सुनी और मतलब इसका तो ईगो हट हो गया कि मैं भी इस ये फाइल में हूं और बड़ी-बड़ी कंसर्न की आर्टिकलशिप करता हूं और स्टेट ऑडिट मेरे हाथ से फाइल नहीं दिखो साइन करता है हमारा बॉस आके भाई काम सारा मैं करता हूं और साहब ये तो बात ही नहीं सुन रहे एक बार और ट्राई किया बोला दिमाग खराब मत कर पढ़ाई में ध्यान लगा सीए कर और सर इसका उस दिन से दिमाग खराब हो गया इगो हट हो गया और इसने बोला और किसी को दिखाऊं या नहीं दिखाऊं इनको जरूर सीए बन के दिखाऊंगा और उस दिन से बच्चा मेहनत करने लग गया और यहां पे आ गया क्लास में पढ़ने के लिए सर, और सर देखते ही देखते दिन रात इसने मेहनत करी और सर जब एग्जाम्स आए जबरदस्त वाला परफॉर्मेंस और जिस दिन रिजल्ट आया सर यश सी यश बन गए माहौल जश्न जबरदस्त एंड सर पार्टी शार्टी एकदम जश्न बन रहा है साहब यस yes, यस yes, वही माहौल चल रहा है सर इनके भी आप और सर फुल माहौल एकदम पापा भी बहुत खुश साहब अब तीन चार दिन निकले माहौल थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और सर इसने पापा को बोला पापा अब बताओ एम आया मार्टर अकाउंटेंट

और सर धीरे धीरे इंडस्ट्री बढ़ती जा रही पापा की कंपटीशन बढ़ता जा रहा है पापा की टेंशन बढ़ती जा रही है और सर बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स अब पापा का हो गया कि पापा आप टेंशन में रहने लग गए और धीरे धीरे पापा का बिजनेस का जो प्रॉफिट था वो कम होता गया कम होता गया और लॉस की तरफ बढ़ रहा है एक दिन इससे रहा नहीं गया और इसने पापा ऑफिस जा रहे थे पकड़ ले पापा पापा आपको अपने बिजनेस की टेंशन बताने ही पड़ेगी बताने ही पड़े। वो पापा पावन हुआ भाई बच्चा गया हाथ से ऐसा लग रहा है और अल्टीमेटली पापा ने फिर इसको बैठ नहीं बैठूंगा ठीक है घड़ा रहे और पापा ने इसको अपने बिजनेस की सारी टेंशन बताई कि सप्लायर से जब माल परचेस करते परचेज क्वालिटी हम जो पसंद करते जो फाइनल करते हैं वो आता नहीं कुछ और आता है और सर स्टॉक कभी मैच होता नहीं स्टॉक डिपार्टमेंट का जो हेड है वो बोलता है स्टॉक इसने मैच किया इसने नहीं किया ये है वो किया इधर जब हम प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्शन टाइम पे होता नहीं क्वालिटी भी बैठती नहीं पेमेंट टाइम पे आता नहीं पेमेंट हमको टाइम पे करना पड़ता है बैंक से लोन ले रखा है वो इसकी ई बाउंस हो गई है उधर इंटरेस्ट का रेट ये ओ हो, हो, हो इतना इसने मतलब पापा आउट ऑफ सिलेबस और ऐसा नहीं बोला इसने और इसने बापा बोला बोला एक काम करो आपके सप्लायर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये ये टर्म्स टर्म्स को हटा के वाले लिखो आपके जो शुक्ला जी वहां पर जो काम कर रहे हैं स्टॉक का मैनेजमेंट देखते हैं शुक्ला जी को हटा के पे रमेश भाई को लगाओ रमेश भाई को हटा के पे सर शर्मा जी को लगाओ और साहब ऐसा ऐसा ये वो दस पंद्रह ज्ञान इसने इतना बांटे पापा को आधा घंटा हो गया पापा ने बोला हो गया बस अब तो रिलैक्स है चल निकल मैं जाता हूं अपने ऑफिस पापा ने बोला कि भाई तू तेरे जॉब पे लग मैं काम करू अब सुबह सुबह दिमाग खराब किया एक घंटे तक इस पापा आपको समझ में आ गया, हाँ, गया तू जा पापा मेरी बात पापा क्या बोला? एक तो बिजनेस की प्रॉब्लम पूछी फिर मेरे को सोल्यूशन नहीं चाहिए था तेरे से फिर भी तूने दिया और अब बोल रहा है इंप्लीमेंट कर देना ना हो पाएगा और पापा ने इसकी बात को इग्नोर किया और सर पापा अपने बिजनेस पे अपने काम पे और धीरे धीरे पापा के बिजनेस की टेंशन बढ़ती जा रही धीरे-धीरे पापा का बिजनेस लॉस अच्छा बड़े बड़े हूं मेरी बात मान लो कई बार जब आप फैक्ट्री नहीं होते मैं पीछे से जाता हूं मैं देखता हूं कहां क्या गलती हो रहा है मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बिजनेस बंद हो जाएगा सर वैसे भी बंद होने वाला आपका बात मान लो मेरी कह रहा हूं मैं और बायलक पापा ने इसकी बात मान ली और जैसे ही पापा ने इसकी बात मानी कुछ दिनों में ही पापा पापा के बिजनेस बिजनेस पूरा पूरा का की, की प्रॉब्लम सारी खत्म हो गई सर और पापा का बिजनेस जो लॉस मेकिंग हो रहा था अब प्रॉफिट मेकिंग तरफ आ गया मजा आ गया जिंदगी में इसकी जिंदगी पहली एडवाइस हुई पापा को और वो भी धमाकेदार और पापा ही बोले मेरा बेटा सी है माहौल के साथ और पापा ने खुश होकर इसको दस लाख रुपए दिए ले बेटा कर मुझे पता है पिछले पांच साल तूने कुछ नहीं किया है सर <laughs> ले बेटा कर पापा ने दस लाख रुपए दे दिए मेरा पॉइंट आपसे ये इस दस लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा इज इट सप्लाई आर नॉट अब थोड़ा यस नो में आंसर मत दो बेटा थोड़ा सा रिवर्स जाओ और फिर सोच के आंसर दो बेटा वो सप्लाई का डेफिनेशन जो आपने पढ़ा सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन वहां फिट करके देखो ये फिट होता कि नहीं होता सर सर आपने सर्विसेज दी आपने सर्विसेज दी पापा को दी क्या आपने पापा को सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन दी क्या आपने फीस के लिए काम किया आपने पापा की खुशी के लिए काम किया है ना? ये नहीं आएगा. Although दस लाख रुपए जो मिल गया है, है हाँ ना? उस लाख पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा मतलब आप केवल बैंक अकाउंट में अगर पैसा आ रहा है और उस पर जगा दो जीएसटी ये सही बात नहीं है यहां पे दस लाख पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा आई होप आर गेटिंग पॉइंट सर आवाज यार देखो इनकम टैक्स मेरे को नहीं आता है हो सकता है दस लाख पे इनकम टैक्स लग जाए वो मेरे को नहीं पता पर जीएसटी तो नहीं लगे दैट इज दोट सप्लाई क्लियर और सर आप सोचिए यश के बारे में सोचिए आप सर जिंदगी की पहली एडवाइस वो भी पापा को वो भी धमाकेदार इतनी शानदार और सर मीन वाली अपना जॉब सर्च कर ही रहा था कि मैं क्या करू सीए बनने के बाद और सर इसने सोचा ये काम जोरदार है इसने भी अपना कंसल्टेंसी का ऑफिस खोल दिया जैसा था ना सिंबा द सेलर

थोड़ देर पापा को लगा कि ये कैद इसका ध्यान कहीं रहा है तो ठीक है पापा रुक गए आधा घंटा हो गया एक घंटा हो गया ये लैपटॉप बिजी तो पापा ने कहा ठीक है पापा पापा होते हैं बेटा पापा बोला ठीक है यार इसके पास नया कोई असाइनमेंट आया होगा अभी बिजी है बेटा बाद में आता हूँ इस पापा ने बोला अभी बिजी बाद में होंगे बोला हाँ हाँ ओके ठीक है साहब नेक्स्ट डे पापा वापस आए वापस वही कहाँ नहीं बेटा पापा को क्या बताया गेम खेल रहा है बेटा उधर सर वही कहानी अच्छा शाम को खाना साथ में खाते पर घर पे बिजनेस की बात नहीं करते ये लोग ठीक है दो तीन बार ऐसा हो गया पापा आए दो तीन बार आए ये वैसा इग्नोर कर रहे पापा को समझ नहीं आ रहा है एक दिन खाना खाते खाते इसने पापा को ऐसे ही बात कर रहे थे कुछ तो पापा पापा को बोला पापा आपका बिजनेस ठीक है बोला क्यों बेटा आपकी फैक्ट्री में गुड्स बनते हैं जो गुड्स का पैसा देगा बात खत्म बोला हमारे पास कौन सा गुड्स है हमारे पास जो है वो टाइम है जो हमारा टाइम लेगा पैसा देगा बात खत्म पापा को समझ नहीं आया क्या बोला <laughs> सर <laughs> अब सर पापा शाम को टीवी देख रहे थे फ्री थे बैठे थे सोच रहे थे यार मैं तीन चार बार इसके ऑफिस गया इसने इग्नोर किया और आज शाम को इसने क्या बोला जो हमारा टाइम लेगा पैसा देगा बात खत्म दिमाग की बत्ती जली मतलब बच्चा क्या कहना चाह रहा है फीस लगेगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पापा ऑफिस में पहुंच गए क्यों रही यश क्या बोलना चाह रहा तू मेरे को ये पापा समझदार को इशारा ही काफी है <laughs> मतलब तू मेरे मेरे से से फीस लेगा हाँ। तुम मेरे से... हाँ पापा हा क्यों दूसरे कंसल्टेंट आपने हायर किए उन्होंने फीस नहीं लिया उन्होंने लिया उनकी एडवाइस काम आई थी नहीं काम किसकी मेरी फिर भी फीस नहीं देना है। देना पड़ेगा फीस मम्मी बोलती है तू बन गया क्या कर लिया पापा वो देख मेरे को तो पैसा चाहिए साहब पैसा चाहिए बोला ठीक है ले लेना ले लेना ले लेना नहीं आप अभी बात करो पहले पैसे की आपने मुझे बताया कितनी बार बेवकूफ बनाया है <laughs> और इसका तो एग्रीमेंट तैयार ठीक है अभी बात कर लेते सर इसने एग्रीमेंट तैयार करा हुआ है सर ऑलरेडी और साहब पापा बोला कैसे फीस का अरेंजमेंट करना बता सर मंथली बेस पे करना है कि कैसे करना है एडवाइजरी बेस पे करना है साल भर का एक साथ अपन बात कर लेते हैं पूरे साल में आपके जो भी काम होंगे वो मैं कर लूंगा ऑफिस रिलेटेड और साहब बोले ठीक है बोल बोला पचास लाख रुपए बोले क्या फिफ्टी लाख क्योंकि पागल हो गया क्या बराबर पापा ठीक है कोई बात नहीं दूसरा कंसल्टेंट हायर कर लो आप और उसको पता था दूसरा की बात पापा मानेंगे नहीं उनका काम हो नहीं रहा इसी की बात माननी है साहब पापा बोला अरे भाई थोड़ा तो कम कर और इसने पापा के ऑफिस एक बोर्ड लाके रखा हुआ था अपने ऑफिस के अंदर साइन बोर्ड जिस पे लिखा था क्या नो बार्गेनिंग और सर अल्टीमेटली माना नहीं पापा ने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया फिफ्टी लाख रुपए प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस ओके okay, पापा ने साइन किया और सर माहौल ही माहौल लैपटॉप पे गेम खेलना छोड़ा और पापा के बिजनेस में लग गया और देखते देखते दो तीन महीने में पापा के बिजनेस में चार चांद लग गए सर सारा सिस्टम ऑटोमेशन कर दिया इसने सेल्फ कंट्रोल सर इंटरनल चेक इस तरह के इन्होंने लगाए कि सर पापा को ऑटोमेटिक केवल मोबाइल एप्लीकेशन देखना है कि कहां पे क्या काम हो रहा है किस क्वालिटी का हो रहा है सब कुछ रेडी और पापा के बिजनेस सारे प्रॉब्लम्स खत्म और पूरा सिस्टम ऑटोमाइजेशन पे आ गया एंड पापा का बिजनेस करोड़ों में प्रॉफिट कमा रहा है और इसने दो तीन महीने बाद अपने प्लस एप्लीकेबल जीएसटी ओके साहब अंकल ऑफिस में बैठे थे न्यूज पेपर पढ़ रहे थे इनके ऑफिस का स्टाफ गया टीम मेंबर गया बिल दिया अंकल ये बिल कौन सा बिल बोले यश भैया ने भेजा है बोले ठीक है रख दो फिर खड़ा था पापा ने थोड़ी देर बाद देखा क्या हुआ बोला बिल हाँ रख दिया ना चल निकल गया वो तो ऑफिस गया यश ने बोला पेमेंट लाया बोला अंकल ने बोला बिल रख दिया चल मैं चला आया <laughs> ठीक है बोले अब चल चल बोले तो बोला भैया अंकल पेमेंट चाहिए चल क्या दो दिन बाद वापस आना दो दिन बाद गया और बोला जब तक पेमेंट नहीं मिला तब आना मत बोला अभी चाहिए पेमेंट ठीक है साहब दो दिन बाद वापस गया वो टीम मेंबर अंकल वो पेमेंट बोला हाँ अंकल अखबार पढ़ने लगे वापस न्यूज पेपर वो खड़ा है वापस थोड़ी बहुत अंकल पेमेंट बोला हाँ मिल जाएगा उसने न्यूज पेपर नीचे किया अंकल पेमेंट अभी चाहिए बोला अभी चाहिए इधर आ चका मिल गया चल अब निकल और साहब उसने इसको जाके बोला पापा ने मारा अरे तो चिंता क्यों कर है मेरे को भी पड़ती रहती है चिंता मत कर अपने भी बहुत एक्सपीरियंस है कल वापस मैं मैं नहीं जाऊंगा आप देखो ठीक है सर दो दिन बाद ये गया और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करी पापा को भी पता कि ये क्यों आया इसको भी पता पापा को पता कि मैं क्यों आया पेमेंट की बात कर नहीं रहे थोड़ी देर बाद बोला कि पापा वो ऑफिस से आया था पर्सन क्या वो उसने कुछ बदतमीजी करी है बोला नहीं 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 ऐसी मैंने तो मूड नहीं था थप्पड़ लगा दी मैंने बोला कोई नहीं पापा वो पेमेंट करना था पचास लाख रुपये प्लस जीएसटी का बोला कौन सा पेमेंट बेटा वो बिल भेजा था ना आपको कंसल्टेंसी का बोला हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ ठीक है बोले ठीक है ठीक है क्या पापा पापा पेमेंट चाहिए हाँ हाँ नहीं पापा पेमेंट चाहिए ना क्या ना हो पाएगा पापा ने क्या बोला पेमेंट बोला कोई बात नहीं पापा कल दे देना हो ही नहीं पाएगा अरे पापा नाराज क्या बाद में देना कोई बात नहीं ऐसा नहीं बोला हो ही नहीं पाएगा बोले पापा आप ऐसा नहीं कर सकते कर दिया आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्या करेगा मम्मी को बोले दे जा और पूरा बैड रुपया नहीं दिया एग्रीमेंट साइन करा ना जा जो करना है कर ले और हंड्रेड परसेंट अमाउंट बैड डेप्ट हो गया बताओ ये फिफ्टी लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा पैसा नहीं दिया सर एक रुपया नहीं दिया बाबर ने अब सर थोड़ा सा रिवर्स जा में जाके वो डेफिनेशन जो मैंने पढ़ाई सप्लाई की वहां से कनेक्ट करके देखिए सर आप सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर सप्लाई शुड बी फॉर अ अंसिडरेशन सप्लाई शुड बी वॉज इट फॉर अ कंसिडरेशन और नॉट क्या यह कंसिडरेशन के लिए था कि नहीं था सर कंसिडरेशन के लिए था बेटा पर कंसिडरेशन मिला तो नहीं बेटा हाँ नहीं नहीं अग्री छोड़ो सर कंसिडरेशन के लिए था ना बेटा बस बात खत्म यह क्या लिखा है क्या कि सप्लाई तभी होगा जब कंसिडरेशन रिसीव हुआ है क्या बोला है सप्लाई शुड बी फॉर अ एंड यस इट फॉर अ कंसिडरेशन पचास लाख पे जीएसटी लगेगा भरी बेड डेप्ट हो गया एक रुपया भी नहीं आया जीएसटी पे करना पड़ेगा समझे मेरी बात मतलब केस नंबर वन जहां दस लाख रुपए रिसीव हुए थे वेर द टेन लाख रुपीज रिसीव्ड तो भी आपने क्या बोला सप्लाई नहीं है कोई जीएसटी नहीं है केस नंबर टू फिफ्टी लेख सप्लाई है जीएसटी लगेगा मतलब केवल पैसा रिसीव हो रहा है इट डज नॉट बिन की वो कंसिडरेशन है अगर पैसा रिसीव नहीं भी हो रहा है इट नॉट बिन की कंसिडरेशन नहीं है मतलब सर केवल बैंक अकाउंट देखकर <coughs> कितना पेमेंट आया कितना नहीं आया केवल इतना सा देख के यू कॉन्ट डिफाइन कि किस पे जीएसटी लगेगा किस पे नहीं लगेगा आई होप सप्लाई शुड बी फॉर अ अंसिडरेशन पूरा क्लियर क्रिस्टल क्लियर बच्चों बस अब ध्यान मैंने आपके माइंड के हर एंगल से सर मैंने ओपन कर दिया आपका माइंड का हर सोचने का पॉइंट पर सर अब मेरा रिक्वेस्ट आपसे क्या है बिना सोच आंसम देना बैस आप क्लियर अब मैंने हर एंगल से बात कर ली मैं कह रहा हूं लाइफ का कोई पॉइंट आ जाए मैंने इतना बेकार एग्जाम्पल दिया बेटा इससे बेकार कुछ हो ही सकता सर मतलब इसके अलावा इससे बीन तो कुछ हो ही नहीं सकता सर, सर। एक्सट्रीम लेवल की बात मैंने कर लिया आपसे दोनों तो ही हाँ है ना भाई पर क्या है आपका आंसर सही होगा अगर आपने सोच के आंसर दिया तो बेटा मैंने आपका माइंड ओपन कर दिया है क्लियर अब सोचिए आप आंसर हंड्रेड परसेंट आएगा सही आएगा पर बिना सोचे ये सही मत बोल देना बेटा आप क्लियर एक बार फिट करके देखना कि क्या आप अपने दिल से पूछना क्या आपने फीस के लिए काम किया क्या आपने कंसिडरेशन के लिए काम किया अगर आपका दिल कहते यस तो लगा देना जीएसटी क्लियर बच्चो आवाज यारी हो तो सर देखना ध्यान से सप्लाई सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन केवल इतना ही काफी नहीं है इट शुड बी इन दर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑल दो इट इज फॉर अ कंसिडरेशन इट डजेंट मीन की वो सप्लाई हो गई होगा अनलेस अंटिल इट इज इन दर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एग्जाम्पल मान लो सर पैसा नहीं है सर घर की पुरानी ज्वेलरी बेच दी दस लाख रुपए आ गए सर क्या क्या दस लाख का लॉटरी बेटिंग गेमलिंग खेलेंगे बेटा है ना आईपीएल चालू भी बेटा हाँ बिल्कुल इसमें क्या है जो आदमी जैसा होता ना बेटा वैसे ही सोचता है सर पॉइंट है मेरा आपसे कि सर घर का पुराना ज्वेलरी बेच दिया फॉर अ कंसीडरेशन यस सर बताओ सप्लाई है क्या सर मान लो किसी पर्सन ने अपने घर का पुराना ज्वेलरी बेच दिया इज इट इज इट सप्लाई और नॉट क्यू नो दैट इज नॉट द बिजनेस नॉट स्टॉक ऑफ द बिजनेस आर नॉट इन दी कोर्स ऑफ इज बिजनेस ये सप्लाई स्कोप में नहीं आएगा ऑल तो दस लाख रुपए में बेचा है बेटा फॉर अ अंसिडरेशन बेचा है बट इट इज नॉट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ इज बिजनेस दैट्स वाई इट इज नॉट सप्लाई एट ऑल ना यस ए नो पर सर यही अगर मैं ज्वेलर होता मेरा ज्वेलरी का बिजनेस होता है बेटा और मैंने ज्वेलरी बेचा होता तो हाँ अच्छा सर ये बिजनेस का असेट है, कुछ भी ये मेरे के असेट मैंने बिजनेस के एसेट बेचे है तो भी इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस के स्कोप में आएंगे और फॉर अंसिडरेशन इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस के स्कोप में आएंगे भले लैपटॉप बेचना मेरा बिजनेस नहीं मेरा मेरा बिजनेस क्या है कोचिंग पढ़ाना पर मैंने लैपटॉप बेच दिया पुराना सर मेरा बिजनेस का असेट था मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वैल्यू थी बेटा है हाँ ना भाई वो अगर मैंने बेचा है तो इट इज इन दी कोर्स और ऑफ बिजनेस यस वो सप्लाई के स्कोप में आएगा जीएसटी लगेगा या हाँ या ये ना यस ये नो अब जाके खत्म हुआ क्लोज नंबर ए मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है सर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सप्लाई क्या होता है और कैसे पढ़ते वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर समझे देखो बच्चों एग्जाम्स यू आर इन टू फाइनल लेवल यार आप समझिए मेरी बात को आपको ये एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ये नहीं आएगा राइट डाउन इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सर इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग आता था ना बिजनेस मैनेजमेंट में सर ये नहीं आएंगे एक क्वेश्चन यार ये नहीं आएगा यार आपको एक केस बना के पूछेंगे बताओ जेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा ये पूछेंगे सर आपसे इसलिए आपको हर एक वर्ड का ऑपरेशन आना चाहिए बच्चों समझे आप मेरी बात सर और ये ऑपरेशन का मतलब होता है हर एक पॉइंट दिल तक पहुंचना चाहिए बेटा अब जो मैंने एग्जांपल्स दिए है आप उनको टिप्स पे याद नहीं कर सकते बच्चों पर हां मेरी गारंटी है जिंदगी में कभी भी, भी बात आएगी तो वो मेरे एग्जाम्पल आपको क्लिक करेगा बेटा समझे आप मेरी बात सर एग्जाम्पल में कोई रटा डेटा नहीं बोलता हूं मेरी मर्जी होती बोलता हूं यहां हूँ क्लियर कुल मिला के पॉइंट आपके दिल तक पहुंचना चाहिए हा ना बच्चों क्लियर कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा राइट डाउन सेक्शन नंबर सेवन कभी नहीं आएगा सर मेरी गारंटी नहीं आएगा सर हाँ, ये जरूर आएगा कि एक ज्वेलर ने अपनी ज्वेलरी बेची अपने अपने पापा को दी है फॉर अ कंसिडरेशन पापा ने कोई पैसा नहीं दिया आपको नहीं आएगा, आएगा हाँ है ना बच्चो क्लियर ऐसा केस बना के पूछ लेंगे बेटा आपसे किसी मंदिर में आपने डोनेशन दिया है सर क्यों सर उन्होंने अपने बिजनेस का नाम

हाँ है ना वो ताकत आपको दिलवानी बेटा मेरा कारण वो है बेटा क्लियर तो सर सेक्शन नंबर सेवन ए खत्म होता है अब बोलता है क्या सप्लाई टर्म सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वॉट गुड्स और सर्विस और बोथ वेन सच सप्लाई आर मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय For a plus it should be in the course or प्लस इट शुड बी कोर्सो रहा क्या, yes. क्या मगब क्या है नहीं करना इसको मगअप कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे बेटा कोई मतलब नहीं सर उसका ओके क्लियर डन सर सर ये था आपका सेक्शन नंबर सेवन includes all ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ना बेटा सर फॉर अंसिडरेशन प्लस इट शुड बी इन दर्स और फर्दर इन ऑफ बिजनेस ठीक है साहब ये मैंने समराइज फॉर्म में लिखा है ओके सर क्लोज नंबर डबल ए अच्छा यहां तक समझ में आया बच्चों आपको क्लियर yes, और हां सर देर शुड बी डायरेक्ट नेक्सेस बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन देर शुड बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्टिविटी एंड सर के लिए काम किया तो सप्लाई है शुड शुड नॉट नॉट बी बी एनी एनी कैजुअल लिंक लिंक इनडायरेक्ट जैसे बेटा पापा ने खुश होकर दस लाख रुपए दे दिया है बेटा आपको क्यों दिए दस लाख रुपए आज तक तो खुश नहीं हुए बेटा ऐसे क्योंकि आपकी एडवाइस पापा को काम आई थी बेटा इसलिए खुश हुए और इसलिए फीस दी आपको दस इसलिए पैसा दिया दस लाख रुपए बेटा बट स्टिल इट इज नॉट अ अंसिडरेशन हाँ ना इज अ कैजुअल लिंक इज एन इनडायरेक्ट लिंक बट सर इट इज नॉट देर इज नो डायरेक्ट नेक्सेस बिटवीन कंसिडरेशन एंड एक्टिविटी बेटा आपने कंसिडरेशन के लिए काम नहीं किया था बच्चों क्लियर समझे मेरी बात अब सर ये सारे पॉइंट मैंने बुक में लिखे बेटा आपको सर जब बुक से पढ़ेंगे ना बेटा तो आपको एकदम लगेगा हाँ ये भी आता है ये भी आता है ये फील आपको आना चाहिए बेटा पर ये फील आपको कब आएगा जब आपको चीजें इस तरह से आपको आएगी ओके दैट्स वोट द टारगेट इज सर मेरे ओपिनियन में पढ़ाई इसको कहते हैं बेटा आपको चीज समझवानी चाहिए सर मैं कह रहा हूं आपसे सर आपने अगर कोई टॉपिक पढ़, पढ़ लिया है तो उस के चार्टर आप सी ये कोई एक दिन में जब रिजल्ट आता तब नहीं बनते बेटा आप सीए रोज बन रहे हो सर हा है ना सर वो इंटेंट के साथ आपको पढ़ना है बच्चों आपको केवल एग्जाम पास करने के लिए केवल एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं पढ़ना है सर सर रोज आपसे यह बन रहा हूं उस टॉपिक के आपसे बन जाना जाने चाहिए बेटा अगर आप उस टॉपिक के सीए नहीं बने मतलब मजा नहीं है कुछ ना कुछ कमी है सर और सर मैं कह रहा हूं आपसे आपने केवल एग्जाम ओरिएंटेड केवल एग्जाम के लिए अगर आपने पढ़ाई करी है मैं कह रहा हूं शायद एग्जाम ना हो पाएंगे क्लियर मेरी गारंटी है सर आपसे क्योंकि दीज आर फाइनल्स बच्चों वॉट सी ए इज एक्सपेक्टिंग कोई भी इंस्टिट्यूट हो सी ए सी एस हो सी एम हो क्या एक्सपेक्ट करता है कि सर ये एडवाइस देगा सर इसकी डिग्री देख के लोग इसे कंसल्टेंसी लेने आएंगे वहां के आप डेफिनेशन पढ़ के बता दोगे उसको क्लाइंट को क्या आप सोचो ध्यान से आप कुछ लॉजिकली सोचिए बेटा आपके डेफिनेशन पढ़ के बता दोगे ये सप्लाई की डेफिनेशन है नहीं आप उसका केस समझोगे और सर लॉ को आप अप्लाई करोगे हा और लॉ अप्लाई करना अगर आपको आ गया माहौल बन गया सर क्लियर समझा मेरी बात सर और यही बेस पे क्वेश्चन बनते एग्जाम में आप ये मैं समझना सो क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर दिया तो सर वही एग्जाम में आने वाला है नहीं एक सौ वाई आने वाला है सर

इन माई ओपिनियन एनी टेक्सल सब्जेक्ट कैन नेवर बी ए थ्योरी सब्जेक्ट इट्स हाइली प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिकली और तो देखिए प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है लाइव डे टू डे एग्जाम्पल्स आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो ट्रांजेक्शन करते हो वहां से लिंक होना चाहिए सर उसको बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी बेटा हा है ना भाई समझ में आ रहा है आइए सर सप्लाय इनक्लूड्स क्लूज नंबर डबल ए कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड <coughs> एओपी बी ओ एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ने अगर अपने मेंबर्स को कोई सप्लाई किया भले ही गुड्स का हो या सर्विसेज का हो या मेंबर्स ने एओपी को कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी फॉर अ कंसिडरेशन वो सप्लाई के स्कोप में आएगा और सर एओपी बीवाई और उसके मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे दो डिफरेंट पर्सन माने जाएंगे दो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे सर और उन्होंने अगर आपस में सप्लाई किया तो सप्लाई के स्कोप में आएगा ऐसा लिखा है अब मैं समझाता हूँ क्या लिखा है बेटा क्यों लिखा है वो समझा देता हूँ बेटा एक एग्जाम्पल दूंगा तो मजा आएगा कोई खास पॉइंट नहीं है ये केवल इंडस्ट्री में झगड़े थे आप ए सी बीच में डबल है झगड़े खत्म करने के लिए क्लियरिफाई तो ला, ला, करने के लिए सप्लाई के, लिए के इसको डाल दिया इसको अब वो क्या झगड़ा था वो समझना बच्चा कोई टफ पॉइंट नहीं है सर दो मिनट लगेंगे मान लो हाँ पहले कुछ लोग मानते फिर याद आता सबको हाँ मानना है सर हम सब लोगों ने मिलकर एक क्लब बना दिया सर फ्रेंड्स क्लब माहौल एकदम अब सर एवरी मंथ हमने डिसाइड किया एवरी मंथ हम लोग मिलेंगे पार्टी शार्टी माहौल बनाएंगे क्या क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ सर आने दो तो सर अब सर एवरी मंथ हम मिलेंगे जो भी इंडस्ट्री के अपडेशन होंगे वहां डिस्कस करेंगे एंड सर पार्टी शाड़ी माहौल बनाएंगे सर क्लियर फॉलोड बाय डिनर एंड डांस पार्टी हा है ना भाई अब सर हमने क्लब बना दिया अब ये पैसा कहा से आएगा सर एवरी मंथ हम मिलेंगे कोऑर्डिनेट करना है सर सब चीज अरेंज करनी है पैसा कहा से आएगा वी विल विल कंट्री हाँ यशवंत सर बेटा <laughs> सर सुनना पॉइंट हम सब मिलके क्या करेंगे कॉन्ट्री करेंगे बेटा हूं तो करो रे अब जो हम कॉन्ट्री कर हाँ भले एडवांस में आपने मेंबरशिप फी दे दी या होता है जब एक्सपेंस हो गया उसके बाद आप कॉन्ट्री करो फी या इस तरह से समझ लो इसको आप कि क्लब ने आपको सर्विसेज दी है क्लब ने आपको कौन सी पार्टी ऑर्गेनाइज करने की सर्विस दी उसके लिए आप फीस दे रहे हो बेटा क्लब क्लब को है हाँ ना भाई तो सर भले उस क्लब का हमने कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया अच्छा क्लब का अगर इनकॉर्पोरेशन करा देता तो वैसे वो सेपरेट पर्सन बन जाता बेटा वो कंपनी बन जाती पार्टनरशिप हम बन जाती उसको अगर आप फीस दे रहे हो तो वैसे भी सेपरेट पर्सन है बेटा तो पेन नंबर अलग है उसका बेटा आपका पेन नंबर अलग है आप फीस दे रहे हो सप्लाई सर्विस के स्कोप में वैसे भी आता बेटा पर अगर उसका हमने इनकॉर्पोरेशन नहीं भी कराया क्लियर तो भी उसको सेपरेट पर्सन मानेंगे क्या करेंगे सर और ये मानेंगे कि उस क्लब ने आपको सर्विसेज दी है उसके लिए फीस लिया है बेटा है हाँ ना भाई और इसमें क्या लगेगा सर जीएसटी मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि क्लब कौन है क्लब तो हम लोग ही तो है लोगों ने झगड़ा क्या किया मैटर कोर्ट तक गया बेटा सर्विस टैक्स टाइम से, से मैटर चलता था लोगों ने क्या बोला क्लब क्या है क्लब तो हम लोग ही तो है और हम खुद ही खुद के लिए कॉन्ट्री कर रहे हैं तो हम तो एक तरह से खुद ही खुद के लिए काम कर रहे सब हम तो खुद ही खुद को फीस दे रहे सर एक तरह से किस बात का जीएसटी तो गवर्नमेंट ने क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट किया सेक्शन नंबर सेवन डेफिनेशन में और क्लियरली लिख दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल और साफ साफ लिख दिया कि

अन इनकॉर्पोरेट एओपी का जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको अब सर अन इनकॉर्पोरेट एओपी क्लब सोसाइटी हूं तो करो रे क्लियर सर आपने देखा होगा लायंस क्लब रोटरी क्लब कई सारे क्लब का नाम सुना होगा सर आपने यहां जो मेम्बरशिप भी आप दे रहे हो बेटा क्लियर सर यह अपना है फ्रेंड्स क्लब माहौल क्लब सर ये सब और इसके इंडिविजुअल मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे और इन्होंने आपस में जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया है फॉर अ वो वो सप्लाई 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 गुड्स या सर्विसेज जो है अच्छा अब ये तो बात कोऑर्डिनेशन तो कौन करेगा कि कहा पार्टी होगी वेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा फूड का मेन्यू हाँ ना सर डीजे कौन बजाने आएगा क्योंकि आप बोलोगे ना डीजे वाले बाबू गाना चला दे हां बेटा वेरी गुड बेटा क्लियर ये गाने के लिरिक्स कैसे याद होते बेटा ये सर सेक्शन याद नहीं होता सर हमको बस सर अब सरकार ये सारा कोऑर्डिनेशन कौन करेगा हर मेंबर से पेमेंट कलेक्ट करना क्लियर ये सब काम कौन अकाउंटिंग करना हिसाब रखना सब काम कौन करेगा सर तो हमारे मेंबर्स जो थे उनमें से दो मेंबर ने बोला कि ये सारा काम हम कर लेंगे अब वो दोनों मेंबर क्या करेंगे जो भी काम करेंगे उसके लिए फीस लेंगे बेटा हाँ है ना अब उन्होंने फीस लिया क्लब से बेटा तो दे मेम मेंबर्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लब फॉर अंसिडरेशन हा है ना और दोनों दो सेपरेट पर्सन है जो सर्विसेज दी उस पर क्या लग जाएगा बच्चों जीएसटी अच्छा मान लो आप भी क्लब के मेंबर हो और यश आप भी क्लब के मेंबर हो बेटा अब आपने सर्विसेज यश को दी यश ने सर्विसेज किसी और को दी अब क्लब के मेंबर्स आपस में एक दूसरे को गुड्स सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं बेटा तो क्या सप्लाई नहीं है क्या

वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा और ऐसे केस उस समय जीएसटी लगेगा हा yes, yes, no? yes, दोनों को दो सेपरेट पर्सन मानना है बेटा बेटा यस या नो पक्का एक बात और अब पता है क्या होता है जब कोई क्लब सोसाइटी या ज्वाइंट वेंचर नाम दे दो बेटा अन इनकॉर्पोरेट एओपी जो लिखा ना मैंने आपके लिए बेटा अब उसको ही आप क्लब बोल दो वेंचर बोल बोल दो बोल दो सोसाइटी कोई भी नाम दे दो बेटा जिसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ बेटा ओके okay? अब उसने क्या किया बेटा से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मांगा है शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं क्या टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कैश कॉल क्या बोलते बेटा कैश कॉल पैसा मांगा है बेटा आपसे क्लियर फॉर मीटिंग आउट द एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लब टू ऑर्ज सर्विस और सर्विस टू में स्कोप में आएंगे जीएसटी लगेगा हाँ या ना बेटा yes, हो सकता है वो कैश कोल में एडवांस में ले या खर्चा करने की बात ले बेटा वो सप्लाई के स्कोप में आएगा ये या नो ओके अब क्या होता है सर अगर वो कैश कोल अच्छा समझना बात को मान लो हमारा मेंबरशिप फी है रुपीज वन थाउजेंड पर मंथ बेटा जो आप पे कर रहे वन पे हो वन थाउजेंड पर मंथ वो रेवेन्यू नेचर का ने बेटा हमारा उस पर जीएसटी लगेगा वो मेबरशिप भी होगी सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया उस पर जीएसटी लगेगा हाँ ना सर पर हमने सोचा इस बार कुछ बड़ा करते हैं बेटा आज कुछ तूफानी करते हैं और हमने बोला एक काम करते हैं हम सारे मेंबर्स मिलके मान लो हंड्रेड मेंबर्स है सर हम सब हंड्रेड मेंबर्स मिलके एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते हैं मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के अंदर सर सौ करोड़ का प्रोजेक्ट होगा अब हम सबका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया ट्यूनिंग अच्छा हो गया हम हम एक दूसरे पर विश्वास रखते बड़ा काम करते सबने एक एक करोड़ रुपए कॉन्ट्री किया कितना वन करोड़ इच वो मेंबरशिप ही नहीं है वो कोई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या है सर वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है बेटा वो क्या है वो इन्वेस्टमेंट है सर हम क्या करेंगे वन वन करोड़ ईच कंट्री करेंगे सौ so करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड सर हमारा एक अर्निंग सोर्स चालू हो जाएगा सबका बेटा तो करोड़ रुपए जो हम डाल रहे हैं दैट दैट इज इज इन्वेस्टमेंट बेटा नॉट मेंबरशिप फी है ना और सर ओ वन करोड़ रुपए कोई जीएसटी नहीं लगेगा दैट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी दैट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन इन एंड नो जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन सच अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा हाँ है ना बेटा अरे समझ में आया पॉइंट आपको ये अरे क्लियर पका डन सर सो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगता है पर यही कैश कुल का अमाउंट यही कैश कुल अगर रेवेन्यू नेचर का होता रेवेन्यू नेचर का होता या समझ लो एडवांस एडवांस फॉर यू नो प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज बच्चा हा है ना भाई रूटीन एक्सपेंडिचर के लिए होता है बेटा मंथली पार्टी करनी है या कॉन्ट्रीब्यूशन देना है या गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने के लिए बच्चों तो सर ये गुड्स और सर्विस और बहुत सप्लाई करने के लिए आप फीस दे रहे हो उस पर जीएसटी लगेगा कोई डाउट इसमें बेटा अरे क्लियर है मालिक डन पक्का हंड्रेड परसेंट माहौल सर ये था क्या अन इनकॉर्पोरेटेड एओपी बी और उसके में गवर्नमेंट ने लॉमेकर लॉ मेकर्स ने अन इनकॉर्पोरेट एओपी बी ज्वाइंट क्लब इसके नाम पर सर्कुलर देखा जो मैंने आपको पढ़ाया जो भी मैंने एग्जाम्प दिया सर्कुलर था वो सर्कुलर भी मैंने पूरा पढ़ा दिया आपके बच्चों क्लियर समझे बात अच्छा सर्कुलर्स क्या होते हैं पता है सर्कुलर्स आर मियर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंटल ऑफिसर सर्कुलर आर नॉट दार्ट ऑफ लॉ

अरे क्लियर बच्चों ध्यान देना सर्कुलर कभी भी याद नहीं करने हैं सर्कुलर क्या होते हैं प्रोविजन अगर आपने पढ़ लिए तो आप में और मेरे में ताकत ये होनी चाहिए कि हम उस सर्कुलर को सॉल्व कर पाए सर्कुलर के अंदर कोई नई बात नहीं लिखी बेटा जो प्रोविजन में लिखा है उसी को क्लेरिफाई करने के लिए बताया तो प्रोविजन इतना अच्छा पढ़ लो कि सर्कुलर अपने आप अपना समझ में आ जाए तो मैं क्या करता हूँ सर पढ़ाता प्रोविजन आपको इस तरह से हूँ कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए फिर एग्जाम्पल लेके मैं आपके सर्कुलर भी कवर कर लेता हूँ बच्चों तो उससे क्या होता है आपको याद नहीं करना पड़े कोई चीज हाँ है ना और ऑटोमेटिक आपके प्रोविजंस यहां फिट हो जाए बच्चों अरे क्लियर पका डन सर अगर आप लॉ मेकर की लैंग्वेज देखेंगे बच्चों सर अगर आप लॉ मेकर की लैंग्वेज देखेंगे सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन क्लोज नंबर डबल ए बताया क्या लिखा है यहां एओपीबीए का नाम नहीं लिखा बेटा मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ सुनना ध्यान से बेटा द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन पर्सन अच्छा सप्लाई इंक्लूड सप्लाई क्लोज द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल के अलावा किसी और पर्सन ने सर्विसेज दी किसको टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने मेंबर्स को या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पार्ट्स को बेटा

किसी भी लॉ में किसी भी जजमेंट में किसी भी ऑर्डर में किसी भी डिक्री में कुछ भी लिखा हो एओपीबीआई और उसके मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे सेम पर्सन नहीं माने जाएंगे ठीक है ये यहां लिखा है मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए बेटा ध्यान देना एक्सप्लेनेशन फॉर दर्पज ऑफ दिस क्लोज इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लो मतलब किसी और नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब क्या है नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या है किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा उससे हमें कंसर्न नहीं है डोंट केयर कह दिया ना बस कह दिया हैशटैग वाइफ सर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और एनी जजमेंट और एनी डिक्री और एनी ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी किसी भी कोर्ट ने कुछ भी लिखा हो कोई जजमेंट दिया हो वी डोंट कैर द पर्सन एंड इट्स मेंबर्स

आ, मैं जस्ट बता रहा हूं मैंने प्रोविजन दिया है सप्लाई का डेफिनेशन शुरू हो रहा है यहां से बेटा ये मैंने छोटा सा एक ब्रीफ दिया सप्लाई क्या है बेटा ओके सर फिर मैंने आपको डेफिनेशन का डायरेक्ट पोर्शन दिया है क्या दिया बेटा डायरेक्ट पर ये डायरेक्ट आप नहीं भी पढ़ेंगे चल जाएगा बच्चों ठीक है डायरेक्ट बैरेट की बात क्या होता है एक सप्लाई ने ब्रीफ दे रखा ठीक है पूरा पढ़ लेंगे फिर समझ में आ जाएगा आपको बेटा एनालिटिकल डिस्कशन आप शुरू करिएगा हमेशा ओके okay, और वहां पे जो एनालिसिस मैंने दे रखे है वहां मैं अभी आपको पहले डबल बता रहा हूं डाइट में आपको बेटा ये रहा क्लोज एमर डबल है ठीक है अभी मैं एक एकजाम्पल बता रहा हूं मैं आपको बताऊंगा बाद में कि आपको बुक से कैसे पढ़ना है बेटा अभी रुकिए ये क्लोज में डबल है दे रखा बेटा क्लियर इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रखा है एक बात तो पे पॉइंट नंबर वन में जो मैंने डायरेक्ट में लिखा वही लिखा है बेटा और फिर अपनी लैंग्वेज में लिखा मेंबरशिप फी वगैरह लिख दिया मैंने पे बेटा हाँ ना भाई अच्छा क्लब अगर अपने मेंबर्स को गुड्स बेच रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा बेटा क्लब अगर मेंबर को सर्विसेज दे रहा है सप्लाई सर्विस में आएगा बच्चों क्लियर फिर इसका जो मैंने ज्वाइंट वेंचर वाला सर्कुलर आपको बताया था बेटा अभी बताना भी मैंने आपको ज्वाइंट वेंचर वाला कैश कॉल याद है कैश कॉल क्लियर वो यहाँ आपको मिल जाएगा कैश कॉल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन याद आया बच्चों आपको क्लियर फिर दो मेंबर्स अगर आपस में सर्विसेज दे रहे हैं सर गुड्स ऑफिसर बोथ रिसीव्ड बाय जॉइंट वेंचर फ्रॉम इट्स मेंबर्स आपने मेंबर ने क्लब को सर्विस दी है

बुक की लैंग्वेज याद करने जाए तो कुछ ना होने वाला अगर आप चीजों को प्रैक्टिकली समझ ले तो सर चीजें अपने आप सोल होती जाएगी बेटा आपको याद नहीं करना पड़ेगा अभी सर्कुलर करना पड़ा इसका एक एक वर्ड हमने पढ़ लिया बेटा समझा मेरी बात अरे क्लियर ओके okay. सर वापस अभी आइए यहां पर हम क्या पढ़ रहे भाई सप्लाई अरे क्या चल क्या रहा है भाई द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स The term supply includes क्लोज number A बोलता है क्या अच्छा क्लोज number double है तो बीच में ऐसे ही ये अन इनकॉर्पोरेट ए का झगड़ा था उसको खत्म करने के लिए बोल कि दिमाग खराब ने कुछ भी कहा किसी भी law में कुछ भी लिखा हो GST के purpose के लिए दोनों separate person माने जाएंगे और दोनों ने आपस में अगर supply किया है सप्लाई के स्कूप में आएगा बेटा क्लियर ओके मेन पॉइंट था क्लोज नंबर ए बी और सी अच्छा ए क्या बोलता है बेटा be for a plus it should be in the course or furtherance of his business क्लियर क्लोज में बी बोलता है कोई बात नहीं अगर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है तो भी सप्लाई के स्को में आएगा अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी तो इंपोर्ट ऑफ फॉर अ कंसीडरेशन। फॉर अ कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के लिए हो या ना हो अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करिए फॉर अ कंसिडरेशन इधर इधर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ वेदर नॉट इन दर्स और फर्दरस ऑफ हिज़ बिजनेस वो सप्लाई के स्कोप में आएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ वेदर और नॉट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा बट इट शुड बी फॉर अ इट शुड बी फॉर अ गूगल पे सर्च किया आपने बेटा गूगल आउट ऑफ इंडिया की कंपनी बेटा सर उसने सर्विसेज दिए बेटा आपको फ्री सर्च करके दिया बेटा आपने जो भी सर्च किया क्लियर पर पर उसने कोई कंसिट्रेशन चार्ज नहीं किया वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा बट सर अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर सिडरेशन भले ही बिजनेस के लिए हो या ना हो सप्लाई के स्कोप में आएगा एग्जाम्पल दो बेटा इसका नेटफ्लिक्स डॉट कॉम नेटफ्लिक्स डॉट कॉम आपने वीडियो सब्सक्राइब की बेटा करना पड़ेगा सर क्लियर नेटफ्लिक्स का आपने सब्सक्रिप्शन लिया बेटा फॉर अ आउट ऑफ इंडिया कंपनी बेटा क्लियर सर्विस सप्लायर आउट ऑफ इंडिया रेसिबेंट इंडिया में है

ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस डॉटल सर्विसेज में ये भी आता है एडवर्टाइजिंग ओवर द इंटरनेट या क्लाउड सर्विसेज हा है ना भाई होता ना अगर आपको सर एक्स्ट्रा क्लाउड सर्विसेज आपको स्टोरेज के लिए चाहिए तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा बेटा गूगल ड्राइव पे लेक् बेटा तो पेड ड्राइव हमने ले रखी है क्लियर वो क्या है सर ओ सर्विस तो सर हमने भले बिजनेस के लिए ली हो या आपनेटफ्लिक्स डॉट कॉम भले नॉन बिजनेस के लिए वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा इफ इट इज फॉर अ कंसीडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ और नॉट इन दर्स ऑफ फॉर बिजनेस ये सप्लाई के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा आया मजा आइए सर अच्छा क्लोज नंबर ए बोलता है क्या भी होना चाहिए प्लस इन दी कोर्स ऑफ ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए क्लोज नंबर बी बोलता है क्या कंसिडरेशन होना चाहिए बिजनेस के लिए है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता क्लोज नंबर सी बोलता है चिंता मत कर अगर नहीं भी है तो भी सप्लाई है क्या बोलता मालिक कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी सप्लाई है अगर वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल नंबर वन में कवर है कहा कवर है सर एट प्रेजेंट इन द शेड्यूल नंबर वन देर आर फोर ट्रांजेक्शन और वो फोर ट्रांजेक्शन ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन है फिर भी वो सप्लाई के स्क्रोप में आएंगे और सप्लाई के स्क्रे आएंगे तो क्या लगेगा बेटा आवाज नहीं आ रही सर क्या लगेगा बट शेड्यूल वन में कवर है तो शेड्यूल वन में कवर नहीं तो सप्लाई नहीं है क्लियर अब वो चार ट्रांजेक्शन कौन कौन से है शेड्यूल नंबर वन में अच्छा हम क्या पढ़ रहे बेटा सप्लाई का डेफिनेशन सर क्लोज नंबर ए क्या बोलता है बेटा नॉर्मल नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आप देखो ध्यान से बेटा क्लोज नंबर ए क्या है नॉर्मल नॉर्मल जितनी बिजनेस की एक्टिविटी ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई वाटर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटर और डिस्पोजल ऑफ गुड्सर बोथ पर्सन फॉर कंसीडरेशन इन दर्स ऑफ बिजनेस मतलब सब कुछ कवर हो गया भाई

क्लियर क्योंकि आपने अपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया विदाउट कंसिडरेशन फिर भी वो सप्लाई आएगा बच्चों हाँ है ना मालिक क्लियर समझे मेरी बात ये एक एग्जाम्पल दिया आपका माइंड ओपन करने के लिए इस तरह के कुछ चार ट्रांजेक्शन लिखे हैं सर जहां पे लॉजिकली कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो सप्लाई के स्कोप में आएगा बच्चों और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा क्लियर डन तो सरकार वक्त होता है समाप्त पर सर ध्यान देना मैं आपको बुक से बताता हूं कि आपको क्या पढ़ के आना है बेटा इधर ध्यान मैंने कुछ पॉइंट बीच में से नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ने में मैं बता देता हूं क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना आपको आपको आज शुरू करना चैप्टर नंबर टू से बेटा चैप्टर अच्छा, में था कल आपको क्या? नहीं पढ़नी बेटा बाकी रीड कर लोगे चल जाएगा बेटा अच्छा चैप्टर टू जहां शुरू हो रहा है बच्चों टू जहां शुरू हो रहा है वहां से शुरू करना बेटा आपको ठीक है ये यूनियन आपको यूनियन टेरेटरी में क्या क्या था बेटा अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दादरा नागर एं दमन सर, एंड हवेली एंड एंड दमन दीव सर लद्दाख चंडीगढ़ एंड अदर टेरेटरी हाँ ना भाई इसमें दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर नहीं है क्योंकि उनका अपना खुद का क्या है स्टेट लेजिस्लेचर अलग से बेटा ये देख रहा है मैंने यहाँ पे दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर कल बताया था मैंने आपको बेटा yes, क्लियर इसलिए उसको यूनियन टेरेटरी नहीं मानते उसको स्टेट मानते बेटा याद आया बच्चों आपको क्लियर ठीक सर फिर अब देखो यहां शुरू हो रहा सेक्शन नंबर नाइन ये सेक्शन नंबर नाइन का डायरेक्ट पोर्शन दे रखा है बच्चो स्टेटरी प्रोविजन भी रेफर करेंगे चल जाएगा ऑल दो मैंने पढ़ा दिया सब कुछ क्लियर पर नहीं भी रेफर करेंगे अभी चल जाएगा बच्चों क्लियर नहीं देखना आपको आप डायरेक्ट शुरू करिएगा एनलिटिकल व्यू ऑफ टॉपिक से बेटा ओके ये आप पढ़ेंगे फिर देखो बेटा सेक्शन नंबर नाइन थ्री नाइन फोर रिवर्स का बेटा नाइन फाइव याद आए ईसीओ बेटा या मैंने लिखा है मालिक ये सेम सेक्शन दे रखा बेटा हाँ आपको बैरक पोर्शन दे रखा मैंने ऊपर बेटा आपको ये बैरिक वाला पोर्शन नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा बच्चों आप डायरेक्ट देखिएगा क्या एनालिटिकल व्यू ऑफ टॉपिक बेटा ओके एब्सोल्युटली सेम जो ऊपर लिखा है इंटरसेट के लिए वही यहाँ पे लिखा है इंटरसेट के लिए ओके okay, और डिफरेंस क्या है वहां मैक्सिमम रेट ट्वेंटी परसेंट होता है पे कितना होगा बेटा फोर्टी परसेंट और यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम के साथ में IGST भी लगता है बेटा बस और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है बेटा ओके okay, फिर शुरू हुआ क्या सप्लाई का डेफिनेशन हाँ मालिक इसमें ये तो मैंने एक शॉर्ट में दे रखा है कोई खास बात नहीं हम पूरा पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा यहाँ क्या लिखा है मैंने ओके okay, ये अगेन बैरेट पार्ट दे रखा है ये नहीं देखोगे चल जाएगा बच्चे ओके okay, सर एनलिटिकल व्यू ऑफ टॉपिक में आप जाएंगे जैसे ही यहां पे सर एक मिनट एक मिनट आप सबसे पहले इस तो पी पी फोर पेंडिंग लिखो आप मतलब आपको आपको अभी नहीं पढ़ना मैं पढ़ाऊंगा सर ओके इसमें लिखा है क्या गुड्स का डेफिनेशन और सर्विस का डेफिनेशन पर मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है ध्यान नहीं पढ़ाया मैंने आपको जब वक्त आएगा तब बात करेंगे अभी नहीं ठीक है अच्छा मेरे को कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना मेरे को बहुत अच्छी क्लियरिटी है सर मेरे, को पता है, मेरे को है, क्या पढ़ाना है कैसे कनेक्ट होगा क्लियर से पढ़ाऊंगा तो बच्चों वो सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको पढ़ा है क्लियर वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे बच्चों सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज याद आया बच्चों बच्चों आपको क्लियर फिर मैंने आपको यहाँ पर वो याद आया नाम आपका लिखा तो मंदिर नहीं आता है बेटा क्लियर बिजनेस का नाम लिखा तो सप्लाई के स्कोप में आएगा नहीं तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा वो सर्कुलर ही बच्चों ओके okay? क्लियर फिर इन दी कोर्स और फर्दर तो बिजनेस याद आया घर का ज्वेलरी बेच दिया आपने बेटा बेटा आपको ठीक है सर ये बायस ज्वेलरी फॉर इज पर्सनल यूज आता है बेटा और वो ज्वेलरी उसने अगर बाद में बेच दी तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा ओके ठीक अच्छा एक बात और ये बिजनेस का डेफिनेशन अभी रखेगा पेंडिंग बिजनेस का डेफिनेशन पेंडिंग एक रीड मानना है हम बाद में हम रीड कर लेंगे सर क्लास के अंदर अभी नहीं पढ़ना आपको ओके सर ये इलेस्ट्रेशन भी आप रखना पेंडिंग बिजनेस की डेफिनेशन जस्ट बाद में ओके ठीक है सर ये मैंने बता दिया आपको सर ये हो गया ये क्लोज नंबर डबल मैंने बता दिया आपको बेटा ये क्लोज नंबर डबल का ज्वाइंट वेंचर वाला सर्कुलर मैंने आपको बताया बच्चों और हा ना भाई ये इलेक्ट्रेशन फोर उसी के बेस पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको ओके okay? ये इंपोर्ट लास्ट में पढ़ा हमने बेटा ये नेटफ्लिक्स का मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा बेटा सब्सक्राइब ऑनलाइन बेटा ओके ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको ओके okay, मालिक फिर ये आप, ये आपका शेड्यूल वन शुरू हो रहा है जो मैंने आपको अब तक नहीं पढ़ा है आपको यहां तक देख के आना बच्चों पर हां रिक्वेस्ट क्या है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया क्लियर समझे मेरी बात यहां तक आपके एंड को होना चाहिए अच्छा ये भी कह रहा हूं आपसे मैं सर एक एक वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं सर आपको आप एक जस्ट प्लेन रीडिंग कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा हंड्रेड परसेंट हो जाएगा थीम वही रखना आपको चीजें याद नहीं करनी आपको चीजें समझ नहीं बच्चे ओके डन थैंक यू सो मच और हाँ एक मिनट सर वो स्क्रीन के मेरे को फोटोज लेने अभी है ना तो मैं आपके तो डाल दूंगा ग्रुप में है ना हाँ डाल दूंगा यस 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 हम्म आज हमने शुरू किया यहां से बेटा हाँ क्या बोल रहा बेटा एक मिनट कल क्या है सैटरडे परसों क्या है बस आपकी जिंदगी हमारी जिंदगी यही निकलेगी पूरी बेटा ध्यान रखना ओके okay? कल का टाइम क्या है बेटा ध्यान रखना आपको सेवन से टू थर्टी ओके आराम से आना सो सो, सो के आना बेटा ना बाकी सोने का मौका मैं याद दूंगा नहीं आपको ध्यान रखना ओके थैंक यू सो मच मिलते हैं ब्रेक के बाद पर हाँ जो वीडियो क्लास में और आपका डाउट एक मिनट रुकेगा, जो वीडियो क्लास में प्लीज है क्लिक ऑफ दिस और आपके लिए मैं ग्रुप में डाल दूंगा बेटा बेटा थैंक यू माहौल डॉन के केस में कौन लेवल याद है बच्चों आपको नाइन फोर बिल्डर के के केस में नाइन फाइव ओला वाला केस बेटा ओके okay. ठीक है सर सप्लाई का डेफिनेशन प्लीज सर अ क्लिक सेवन वन ए ओके ये कॉपी करिए वो सर्कुलर के अंदर लिखा है बेटा मिल जाएगा आपको ये वाला पॉइंट हाँ एक सेकेंड वो अभी आएगा ना हाँ चलें दो डन ये अपना जीवन कोरा कागज बेटा ओके सरकार ऑल द बेस्ट पढ़ के आएगा माहौल के साथ पर आपके इंट पे होना चाहिए बेटा ओके बाय